कि बीते दिनों जो बक्से भर भर के बीते दिनों जो बक्से भर भर के नोट मिली है नोट, उसके बाद भी ये लोग यही कहेंगे कि ये भी हमने ही किया है। साथियों, आप कानपुर वाले तो बिजनेस को, व्यापार कारोबार को अच्छे से समझते हैं। 2017 से पहले भ्रष्टाचार का जो इत्र, उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था, वो फिर सबके सामने आ गया है। लेकिन अब वो मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं, क्रेडिट लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। नोटों का जो पहाड़ जो पूरे देश ने देखा, वही उनकी उपलब्धि है, यही उनकी सच्चाई है। एक दीवार से रुपया ही रुपया निकल रहा है, एक घर से, एक घर में रुपया ही रुपया निकल रहा है। न जाने कितनी गड्डियां निकली हैं, कई मशीन लगानी पड़ी रुपए गिनने के लिए, और बैंकों से रुपया गिनने वाली मशीनें मंगाई गई। रुपया गिनने वाली मशीनें मंगाई गई वहां पर, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन हो गए, अभी भी पैसा गिना जा रहा है। और पूरे उत्तर प्रदेश की, पहली ये खोज होगी जहां इतने रुपए इकट्ठे मिले हैं। बताओ सरकार किसकी है, और ये रेलवे किसका है, हवाई जहाज किसका है, सड़क किसकी है, सब कुछ इनका, बैंक इनकी। और ये कह रहे हैं कि रुपया हमारा है, ये कह रहे हैं रुपया हमारा है, ये रुपया समाजवादियों का नहीं है, ये रुपया भाजपाइयों का है। और भाजपाई ये कहें कि रुपया उनका नहीं है, तो उनके फोन कॉल का डिटेल निकाल लो, और फोन कॉल का डिटेल निकलेगा तो अपने आप पता लग जाएगा कि रुपया किसका है। बताओ नोटबंदी फेल हो गई कि नहीं हो गई, और अगर नोटबंदी तुम्हारी कामयाब थी तो बताओ बीजेपी वाले के घर में इतना रुपया कैसे निकल रहा है।